हाय दोस्तों, मैं हूं सायरस फ्रॉम healthysayrus.com और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अगर आपको दिल का दौरा पड़ जाए, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, तो आप क्या करोगे। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, आप अपनी या किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। चलिए उसी पे बात करते हैं दोस्तों। इस दुनिया में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग केवल हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं और जिसमें से 23% लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में हैं। मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, आप ऑफिस से घर आते हैं, अकेले हैं, अचानक आपको दिल का दौरा पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई भी नहीं, आप अकेले हैं और आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करोगे? इन 10 सेकंड्स में जो आप कर सकते हैं उसी पे बात करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें कि हार्ट अटैक से बचना कैसे है, आइए समझते हैं हार्ट अटैक होता क्यों है। दोस्तों, हमारा जो दिल है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो सही से काम करना बंद कर देता है, सही से धड़क नहीं पाता। जब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमें हार्ट अटैक हो जाता है। इसके कई सारे रीजन हैं। आपकी जो धमनियां हैं, जिसे आर्टरीज बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें ब्लड सही से ट्रेवल नहीं हो पाता कई बार। जैसे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरीज में जम जाता है, या फिर आपका ब्लड काफी थिक होता है और वो ट्रेवल करने में उसको दिक्कत आती है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है आयुर्वेदिक के हिसाब से, तो वाकई में आपका जो ब्लड होगा वो काफी थिक हो जाएगा, काफी गाढ़ा हो जाएगा, जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो ब्लड जो हार्ट को, हमारे जो दिल को ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो नहीं मिल पाता। जब प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल जो अपना धड़कना बंद कर देता है। सो दोस्तों, इसके दो लक्षण होते हैं ज्यादातर। जब भी आपको दिल का दौरा आने वाला होता है तो आपके छाती में एक तेज पेन शुरू हो जाती है जो लेफ्ट हैंड से बैक तक भी जाती है। लेकिन जो 90% केसेस होते हैं उनमें क्या होता है, आपका जो दिल है, दिल का दौरा पड़ने से पहले आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपकी सांसें उखड़ने लगती हैं। उन 10 सेकंड्स के समय में आपको क्या करना है, आपको जोर जोर से खांसना है। आप 5 से 6 सेकंड तक जोर जोर से खांसिए। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जो एयर फ्लो है वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगी, आपका दिल जो है वो सुकड़ने लगेगा और जैसे ही आप सांस लेंगे दिल जो है वापस सही तरीके से धड़कना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन की जो कमी थी वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आपकी छाती में पेन हो रहा है या फिर आपका दिल धड़क नहीं रहा सही से, तो ये सबसे बड़े लक्षण हैं दिल का दौरा पड़ने के। आपको तेज तेज खांसना है, 5 से 7 सेकंड तक आपको खांसना है, उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और आप अपनी जान या किसी की जान बचा सकते हो। दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे ऑफिस के दोस्त हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कि हमेशा अच्छी डाइट लें, कम से कम 4 लीटर पानी रोज पिएं, सैलड्स खाएं, फल खाएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप 30 से 40 मिनट रोज वॉक करें, सैर करें, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपकी जो जिंदगी है बढ़िया रहेगी, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो, अपनी खुद की जिंदगी बचा सकते हो। अगर इस मैसेज को आप कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाते हो तो किसी एक की जिंदगी बचाई जा सकती है। 23% लोग हैं हमारे देश में जो हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, जितना शेयर कर सकते हैं, वीडियो ना शेयर करें कोई बात नहीं, लेकिन इस मैसेज को बहुत शेयर करें, हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कोई वीडियो बनाऊं, कि कोई रेकमेंडेड वीडियो बनाऊं, आप चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं नीचे और मैं आपका जवाब दे सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव।